नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मैक्रम सिखा रही हूँ। मैक्रम में मैंने कई मैक्रम के नोट्स आपको बता दिए हैं और आज जो मैं सिखा रही हूँ वो है हाफ हिच स्पाइरल नोट। और हाफ हिच स्पाइरल नोट जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, इस तरह की। और हाफ हिच नोट जो हाफ हिच स्पाइरल नोट जो है उसको बनाने के लिए हमको दो डोरियों की इस्तेमाल करना होता है। दो डोरी हम इसमें लेंगे और दो डोरियों को हम एक इसमें जो भले वो छल्ला हो या कोई भी जिसमें हमको ये बनाना है जो नॉट है वो, तो सबसे पहले हम इसको एक फंदा बनाने के लिए इस तरह से नॉट बनाएंगे और हमेशा की तरह ही हम ऊपर से इसको डालेंगे। और ऊपर से डालने के बाद में ये जितने भी इसके मतलब ये डोरियों के भाग हैं वो अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको हम टाइट करते हैं। टाइट करने से थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग आती है। उसके बाद में जब इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये जो एंड्स हैं उनको हम पीछे ले जाके और लाइटर से थोड़ा सा इसको जला के गर्म करके और ये उसमें पीछे स्टिक हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, ये वाला जो पार्ट है वो दिखेगा नहीं, पीछे की साइड चला जाएगा। अब ये है हाफ हिच, मतलब है भी स्पाइरल और स्पाइरल में भी आधा ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि या तो आप लेफ्ट साइड से ले लें या फिर आप राइट साइड से ले लें। ये वाला जो है ये मैंने लेफ्ट साइड से ले रखा है। अब मैं इसको शुरू कर रही हूँ राइट साइड से। राइट साइड के लिए हमने इस तरह से ये लिया, इस तरह से फोर बनाया और एक ही डोरी है इसलिए हमने इसको निकाल लिया। इसको हमने इस तरह से यहाँ से निकाल लिया। एक दो बार हम इसको टाइट करेंगे, तब तक हम इसको कस के रखेंगे। उसके बाद में ये कहीं नहीं जाएगा, प्लास्टिक का है इसलिए। वापस से हम इसको फोर जैसा बनाएंगे और अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से राइट साइड, जिसका लेफ्ट चलता है हाथ वो लेफ्ट से करेंगे, जिसका राइट साइड से हाथ इजी रहता है वो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन स्पाइरल जो डिज़ाइन है वो तो दोनों तरफ से ही बन जाती है। तो इस तरह से हम राइट साइड में ये करते रहेंगे। अब थोड़ी देर तक देखेंगे कि ये सीधा ही चल रहा है, सीधा ही चल रहा है। सीधा चलते चलते थोड़ा टेढ़ा होने लगा है ये, क्योंकि इसमें अपने आप में ही बल आ जाता है, इसीलिए हम इसको स्पाइरल नोट कहते हैं। और हाफ हिच मतलब कि ये आधा ही पार्ट है, एक ही तरफ से है, इसलिए हम इसको हाफ हिच कहते हैं। पूरा होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए आप, ये टेढ़ा होता जा रहा है। फिर वापस से हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे तो ये नॉट बनती जा रही है, लेकिन अपने आप ही, ये देखिए अपने आप ही ये थोड़ी सी एक तरफ होती जा रही है, मतलब जिसको बलेटा बोलते हैं, तो स्पाइरल होती जा रही है। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे, वैसे हम बनाएंगे तो हम इसको सीधा रखेंगे, अभी भी मैं सीधा रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अपने आप ही पलट रही है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इस एक ही तरफ वाली जो ये हम गठान लगाते जा रहे हैं, नॉट लगाते जा रहे हैं, उससे इस डोरी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और उस टेंशन से ये पलट जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा घूम जाती है। तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाती है। और भी मैं इसको अभी कोशिश करती हूँ कि ये सीधी मैं रह के और आपको बता दूँ, फिर अपने आप ही जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये गोल हो जाएगी। हम इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ेंगे,
बिल्कुल भी पास पास में लेते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं लेफ्ट से इधर ये करे जा रही हूँ, ये इस तरह से लिया यूं, और अंदर से हम इसको ले लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है और बहुत जल्दी से बन जाती है ये, और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से भी बनती है। तो अगर हम इसको बिल्कुल भी बिना मोड़े कोशिश करेंगे कि मतलब इसको फटाफट बनाएं, जिससे कि ये स्पाइरल नहीं हो जाए एक बार में, क्योंकि स्पाइरल अगर हो गई एक बार तो फिर हो सकता है कि बीच में गैप भी आ जाए, तो हमको गैप नहीं देना है बिल्कुल भी। जैसे नीचे की पीली डोरी आपको नहीं दिखाई दे रही है, आपको खाली नीली डोरी ही दिखाई दे रही है, तो जब तक हमारे जितनी लंबाई लेनी है या जितनी आपके पास में डोरी है उसको कंप्लीट करना है, तो अगर हम इसको इस तरह से करते जाएंगे तो ये पूरी बनती जाएगी। और बनने के बाद में जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि टेंशन के कारण इसमें इतना ज़्यादा वो हो जाता है, तो ये मुड़ाव ले लेती है, मतलब स्पाइरल हो जाती है, जिसको बलेटा कहते हैं, बलेटे आ जाएंगे इसमें और ये स्पाइरल हो जाएगी। अब ये अभी तक सीधी है, अब मैं इसको छोड़ूंगी और इस तरह से, तो ये जो इसका एक्चुअल में ये रहना चाहती है, अगर मैं ज़्यादा भी करूँगी तो भी नहीं होगा, बस एक्चुअल में इसका जो है वो इस तरह का स्वभाव है। तो ये जो है वो मैंने इधर से बनाई थी, मतलब लेफ्ट से मैंने लपेटा लिया था इस वाली में, इस तरह से, जैसे अगर ये लेफ्ट है तो इस तरह से, मतलब ये वाला जो है वो इस तरह से लिया लेफ्ट से, लेकिन अभी जो ये वाला है ये मैंने राइट साइड से लिया, तो ये इधर से आ रहा है और ये इस साइड से आ रहा है, इसलिए आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंस। और अब जो ये एंड है इसका, तो इसको भी हम काट देंगे और इन दोनों को किसी भी प्रकार से, जैसे मैंने इसमें ये किया है, मतलब दो मोती लगा दिए हैं और यहाँ से जोड़ दिया है, तो हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी बन गई हाफ हिच स्पाइरल नोट, हाफ हिच एक तरफ की है इसलिए हाफ हिच कहते हैं, सीधी साइड से भी ले सकते हैं, उल्टी साइड से, एक ही तरफ एक ही धागा चलता जाएगा और एक धागा जो है वो उसका बेस बनता जाएगा। तो इस तरह से ये हाफ हिच स्पाइरल नोट बनती है। थैंक यू।